नमस्ते और ग्रोथ माइंडसेट कंपनी में आपका स्वागत है, जहां जिज्ञासा ज्ञान की ओर ले जाती है और ज्ञान विकास की ओर। आज हम निर्माण अनुबंधों की जटिल दुनिया के माध्यम से एक और प्रकाशदायक यात्रा पर निकलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि निर्माण परियोजनाओं की रीढ़ की हड्डी कौन से जटिल विवरण होते हैं? नियम, समझौते, जाँच और संतुलन जो इन विशाल कार्यों को पटरी पर रखते हैं। खैर, अब और अधिक सोचने की जरूरत नहीं है। आज के एपिसोड में हम निर्माण उद्योग में एक प्रमुख दस्तावेज फिडिक येलो बुक में गहराई से उतरते हैं। हम इसके खंडों को समझ रहे हैं, इसके शब्दों को समझ रहे हैं और इसकी प्रक्रियाओं को रोशनी में ला रहे हैं। चाहे आप इस क्षेत्र में एक अनुभवी पेशेवर हो या निर्माण के क्षेत्र में नए जिज्ञासु, यह एपिसोड ज्ञान, सूचना और प्रेरणा के लिए तैयार किया गया है। हम जटिल खंडों को समझने योग्य अंतर्दृष्टि में तोड़ रहे हैं, गुण को स्पष्ट में बदल रहे हैं। तो एक सीट ग्रहण करें, बने रहें और इस खोज की यात्रा पर हमारे साथ चलें। अनुबंधीय दायित्वों की बारीकियों से लेकर परियोजना प्रबंधन की गतिशीलता तक हम आपको पूरी तरह से कवर कर रहे हैं। फिडिक येलो बुक की परतों को हमारे साथ उतारने के लिए तैयार हो जाइए। आपकी निर्माण अनुबंधों के केंद्र में यात्रा यहीं अभी से शुरू होती है। आइए शुरू करते हैं। निर्माण अनुबंधों में प्रतिधारण धन, इसके उद्देश्य, लेखांकन और अवधि की गहराई से समझ। आज हम निर्माण अनुबंधों में प्रतिधारण धन के अन्वेषण को जारी रख रहे हैं, जो FIDIC शर्तों द्वारा नियंत्रित एक महत्वपूर्ण वित्तीय पहलू है। प्रतिधारण धन की बारीकियों को समझना निर्माण परियोजनाओं में जोखिम प्रबंधन और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदारों और नियोक्ताओं दोनों के लिए आवश्यक है। प्रतिधारण धन समझाया गया एक प्रमुख वित्तीय तंत्र। निर्माण अनुबंधों में प्रतिधारण धन का उद्देश्य जोखिम प्रबंधन उपकरण। प्रतिधारण धन दोषों या विफलताओं के खिलाफ एक सुरक्षा उपाय के रूप में काम करता है, जो दोष दायित्व अवधि के दौरान हो सकती है। ये ठेकेदारों को उच्च गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने और संतोषजनक रूप से काम पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। शक्ति और सूचना संतुलन। निर्माण परियोजनाओं में नियोक्ता और ठेकेदार के बीच की गतिशीलता जटिल हो सकती है। प्रतिधारण धन इसे नियोक्ताओं को एक तंत्र प्रदान करके संबोधित करता है, जिससे वे बड़े भुगतान के बाद भी गुणवत्ता मानकों को लागू कर सकते हैं। लेखांकन में प्रतिधारण धन, शर्तीय दायित्व और संपत्ति। लेखांकन की दृष्टि से प्रतिधारण धन ठेकेदार के लिए एक शर्तीय दायित्व और नियोक्ता के लिए एक शर्तीय संपत्ति है। ये काम के पूरा होने और प्रदर्शन पर अनिश्चितता को दर्शाता है। वित्तीय विवरण प्रभाव। ठेकेदारों के लिए प्रतिधारण धन एक विलंबित प्राप्य है। नियोक्ताओं के लिए ये संभावित भविष्य के खर्चों के खिलाफ एक वित्तीय सुरक्षा है। ये लेखांकन उपचार सटीक वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण है। प्रतिधारण धन रखने की अवधि। अनुबंधित रूप से परिभाषित अवधि। प्रतिधारण धन रखने की अवधि भिन्न होती है और अनुबंध द्वारा निर्धारित होती है। FIDIC येलो बुक 1999 संस्करण में समय रेखा विशिष्ट मील के पत्थरों जैसे कि टेकिंग ओवर प्रमाण पत्र के जारी करने और दोष सूचना अवधियों से जुड़ी हुई है। परियोजना विशिष्टताओं को प्रतिबिंबित करना अवधि परियोजना की प्रकृति और इसमें शामिल जोखिमों पर निर्भर करती है। यह एक रणनीतिक निर्णय है, प्रत्येक परियोजना के लिए अनुकूलित, ताकि किसी भी संभावित दोषों को सामने आने और संबोधित करने का समय मिल सके। निर्माण परियोजनाओं में प्रतिधारण धन का रणनीतिक महत्व। प्रतिधारण धन केवल एक वित्तीय विवरण नहीं, बल्कि निर्माण अनुबंधों में एक रणनीतिक उपकरण है। ये शक्ति और जिम्मेदारी का संतुलन सुनिश्चित करता है, गुणवत्ता और पूर्णता मानकों के प्रति प्रतिबद्धता को बढ़ावा देता है। इसकी भूमिका को समझकर ठेकेदार और नियोक्ता दोनों निर्माण अनुबंधों को अधिक प्रभावी ढंग से नेविगेट कर सकते हैं, सफल परियोजना परिणाम सुनिश्चित करते हैं। निर्माण अनुबंधों और FIDIC खंडों की दुनिया में गहराई से उतरते हुए ये स्पष्ट होता है कि प्रत्येक तत्व कैसे निर्माण परियोजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन और पूर्णता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारी चल रही श्रृंखला में अधिक तत्वों और खंडों का अन्वेषण करते रहें। फिडिक वित्तीय खंडों पर स्क्रिप्ट में दी गई समीक्षा को शामिल करना। आइए निर्माण अनुबंधों में प्रक्रिया प्रवाह की हमारी समझ को बढ़ाने के लिए FIDIC येलो बुक के वित्तीय खंडों के बारे में हमारी कथा में दी गई समीक्षा को एकीकृत करें। वित्तीय खंडों की विस्तृत प्रक्रिया प्रवाह। अंतरिम भुगतान प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन, खंड 14.3। ठेकेदार की जिम्मेदारी। ठेकेदार को नियमित अंतरालों पर, आमतौर पर मासिक, कार्यान्वित कार्य को प्रतिबिंबित करते हुए विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा जाता है। विवरण घटक।
ये विवरण किए गए कार्य के मूल्य, कानूनी और लागत परिवर्तनों के कारण समायोजन और प्रतिधारण की कटौती को शामिल करते हैं। नियमित मुआवजे की सुनिश्चितता, ये प्रक्रिया ठेकेदार को उनके कार्य के लिए समय पर मुआवजा प्राप्त करने की सुनिश्चितता के लिए आवश्यक है, जिससे स्वस्थ नकदी प्रवाह बना रहता है। अग्रिम भुगतान की चौथी दर, खंड 14.2(b) अग्रिम भुगतान की चौथी, मुख्य रूप से संचयन और डिजाइन के लिए की गई अग्रिम भुगतान की चौथी प्रत्येक आईपीसी के 25% की दर से की जानी है। इसका मतलब है कि प्रत्येक आईपीसी का एक चौथाई हिस्सा प्रारंभिक अग्रिम की चौथी की ओर जाता है। संतुलित वित्तीय योजना, इस तरह की चौथी संरचना ठेकेदार को प्रभावी ढंग से वित्त प्रबंधन करने की अनुमति देती है, चल रहे काम के खिलाफ प्राप्त अग्रिम को संतुलित करती है। प्रतिधारण का प्रतिशत, खंड 14.3(c) प्रतिधारण कटौती दर, प्रत्येक आईपीसी का मानक 10% हिस्सा प्रतिधारण धन के रूप में अलग रखा जाता है, जो समय के साथ जमा होता है। प्रतिधारण धन का उद्देश्य, ये प्रतिधारण एक सुरक्षा उपाय के रूप में कार्य करता है, सुनिश्चित करता है कि ठेकेदार किसी भी दोष को संबोधित करता है या काम को संतोषजनक रूप से पूरा करता है। प्रतिधारण धन की सीमा, खंड 14.3(c) प्रतिधारण पर कैप, कुल प्रतिधारण धन स्वीकृत अनुबंध राशि के 3% तक सीमित है, जिसमें अनुमानित राशियां शामिल नहीं हैं। प्रतिधारण कटौतियों का अंत, एक बार यह कैप प्राप्त हो जाने पर बाद के आईपीसीएस प्रतिधारण कटौतियों से मुक्त होते हैं, जो अनुबंध कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण वित्तीय मील का पत्थर चिन्हित करते हैं। निर्माण अनुबंधों के वित्तीय लय को समझना, प्रदान की गई प्रक्रिया प्रवाह FIDIC शर्तों के तहत निर्माण अनुबंध के वित्तीय लय को सुंदरता से संक्षेपित करता है। ये दिखाता है कि भुगतान कैसे संरचित किए जाते हैं, ठेकेदार की नियमित नकदी प्रवाह की जरूरत और नियोक्ता की गुणवत्ता आश्वासन की जरूरत की रक्षा करते हुए। ये संतुलन सफल अनुबंध कार्यान्वयन के केंद्र में है। जैसे जैसे हम FIDIC खंडों का अन्वेषण जारी रखते हैं, ये बढ़ते हुए स्पष्ट होता है कि प्रत्येक खंड कैसे अनुबंध प्रबंधन की व्यापक टेपेस्ट्री में जटिलता से बुना जाता है। हमारे आगामी खंडों में इन जटिलताओं को और अधिक उजागर करते रहें। कल्पना कीजिए एक निर्माण परियोजना जो विशाल पैमाने और महत्वाकांक्षा से भरी हो। अनुबंध का मूल्य है एक प्रभावशाली $10,00,000। इस संरचित भुगतानों और गणना की गई कटौतियों की दुनिया में प्रत्येक आईपीसी परियोजना की वित्तीय कहानी का एक अध्याय प्रस्तुत करता है। आइए एक नमूना तालिका की जांच करें, जो संख्याओं के बारे में उतनी ही है जितनी की परियोजना प्रबंधन में रणनीति और दूरदर्शिता के बारे में। आईपीसी संख्या 1। पर्दा उठता है एक आईपीसी राशि के साथ $100,000 का। यहाँ कटौतियों का नृत्य आरंभ होता है। एक बड़ी 25% यानी $25,000 की राशि प्रारंभिक संचयन के लिए ठेकेदार को दी गई वित्तीय लाइफलाइन की चौथी के लिए विधिवत रूप से काटी जाती है। साथ ही 10% यानी $10,000 गुणवत्ता आश्वासन उपाय के रूप में बरकरार रखा जाता है। ठेकेदार को $65,000 मिलते हैं, लेकिन कहानी केवल इस लेन देन के बारे में नहीं है। यह विश्वास और जवाबदेही की एक कहानी है, जहां हर डॉलर बरकरार उत्कृष्टता की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। जैसे ही हम आईपीसी संख्या 2 और 3 की ओर बढ़ते हैं, कटौतियों का लय अपरिवर्तित रहता है। प्रतिधारण जमा होता जाता है, $30,000 3% कैप पर पहुंचकर एक चरम बिंदु तक आता है। यहां ये रोचक होता है, ये कैप केवल एक संख्या नहीं है, ये ठेकेदार की प्रेरणा और नियोक्ता के जोखिम के बीच संतुलन का एक रणनीतिक आधार है। यह FIDIC अनुबंधों में निहित दूरदर्शिता का एक प्रमाण है। आईपीसी संख्या 4 तक आते आते एक महत्वपूर्ण बदलाव होता है। अग्रिम भुगतान पूरी तरह से चुकता हो जाता है, बैलेंस शून्य हो जाता है। लेकिन प्रतिधारण पर ध्यान दें, ये $30,000 की पठार पर बना रहता है, एक मौन गुणवत्ता रक्षक प्रारंभिक वित्तीय बूस्ट के निपटान के बाद भी। ये क्षण वित्तीय सहायता से सतत आश्वासन की ओर संक्रमण का प्रतीक है। अंत में आईपीसी संख्या 5, पूर्णता और अर्जित विश्वास का प्रतिबिंब। अग्रिम भुगतान के लिए अब और कटौती नहीं, शुद्ध राशि $90,000 तक बढ़ती है। इस यात्रा का ये चरण केवल भुगतान के बारे में नहीं है, ये प्रगति का उत्सव है, ठेकेदार की प्रतिबद्धता का प्रमाण और संरचित वित्तीय योजना के स्थायी मूल्य का प्रमाण।
जैसे ही हम इस खंड का समापन करते हैं, याद रखें, इस तालिका में प्रत्येक पंक्ति केवल संख्याओं से अधिक है। ये रणनीतिक वित्तीय प्रबंधन जोखिम को कम करने और निर्माण के महान कार्य में उत्कृष्टता की खोज की कहानी है। ये याद दिलाता है कि FIDIC अनुबंधों की दुनिया में हर खंड, हर प्रतिशत, हर कटौती एक परियोजना की सफलता के ताने बाने को बुनती है। FIDIC येलो बुक 1999 में खंडों का आपसी संबंध, खंड 14.9 की सहयोगी भूमिका। अब हमारा ध्यान FIDIC येलो बुक 1999 में खंड 14.9 के अन्य खंडों के साथ गतिशील इंटरेक्शन पर केंद्रित है। ये आपसी संबंध निर्माण अनुबंधों की जटिलता और एकीकृत प्रकृति को उजागर करते हैं। खंड 11 दोष दायित्व के साथ इंटरेक्शन, प्रत्यक्ष संबंध। खंड 14.9 का खंड 11 के प्रति संदर्भ प्रतिधारण धन रिलीज की दोष दायित्व खंड के तहत कार्य पूर्णता पर निर्भरता को रेखांकित करता है। ठेकेदारों के लिए निहितार्थ, दोषों को सही करने के प्रति ठेकेदार की प्रतिबद्धता प्रतिधारण धन तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण है। वित्तीय प्रोत्साहन को अनुबंधीय दायित्वों के साथ संरेखित करती है। विविध शब्दावली, प्रतिधारण धन रिलीज ठेकेदार द्वारा दोष दायित्व खंड के तहत जिम्मेदारियों की पूर्ति पर निर्भर है। खंड 12 पूर्णता के बाद परीक्षण के साथ इंटरेक्शन, शर्तीय रिलीज तंत्र। प्रतिधारण धन की रिलीज खंड 12 के तहत आवश्यक पूर्णता के बाद के परीक्षणों की सफल समाप्ति पर भी निर्भर करती है। भुगतान प्रवाह पर प्रभाव, सफल परीक्षण समाप्ति ठेकेदार के लिए पूर्ण प्रतिधारण राशि तक पहुंचने की एक पूर्व शर्त बन जाती है। विविध शब्दावली, पूर्णता के बाद के परीक्षण आवश्यकताओं की पूर्ति पूर्ण प्रतिधारण धन तक पहुंचने की कुंजी है। खंड 10 नियोक्ता का टेकिंग ओवर के साथ इंटरेक्शन, भुगतान प्रक्रिया की शुरुआत। खंड 10 के अनुसार टेकिंग ओवर प्रमाण पत्र का जारी किया जाना प्रतिधारण धन के पहले हिस्से की रिलीज प्रक्रिया को ट्रिगर करता है। ठेकेदारों के लिए महत्व, कार्यों की पूर्णता के लिए नियोक्ता द्वारा इस औपचारिक मान्यता से ठेकेदार का प्रतिधारण धन के एक हिस्से के लिए अधिकार शुरू होता है। विविध शब्दावली, टेकिंग ओवर प्रमाण पत्र की प्राप्ति प्रतिधारण धन के प्रारंभिक खंड के लिए ठेकेदार के हक को चिन्हित करती है। भुगतान खंडों जैसे खंड 14.3 14.6 के साथ सामान्य इंटरेक्शन, एकीकृत भुगतान प्रणाली का हिस्सा। खंड 14.9 अनुबंध में उल्लिखित व्यापक भुगतान संरचना के भीतर काम करता है जो समग्र वित्तीय प्रवाह को प्रभावित करता है। पूरक वित्तीय तत्व, यह अंतरिम और अंतिम भुगतान के साथ मिलकर काम करता है। ये सुनिश्चित करता है कि भुगतान तंत्र व्यापक और सुसंगत हो। विविध शब्दावली, प्रतिधारण धन का वितरण अंतरिम और अंतिम भुगतान प्रक्रियाओं के साथ इंटरलेस्ट है, एक समेकित वित्तीय फ्रेमवर्क बनाता है। निविदा के परिशिष्ट के साथ इंटरेक्शन, अनुबंधीय संदर्भ बिंदु। निविदा का परिशिष्ट विशिष्ट अनुबंध डेटा युक्त खंडित परियोजनाओं के लिए प्रतिधारण धन की रिलीज को निर्धारित करने में कुंजी है। अनुबंध विवरणों पर निर्भरता, प्रतिधारण धन रिलीज की बारीकियां अक्सर निविदा के परिशिष्ट में उल्लिखित विशेषताओं पर निर्भर करती हैं। विविध शब्दावली, खंडित अनुबंधों में प्रतिधारण धन की रिलीज प्रक्रिया को निविदा के परिशिष्ट में अनुबंधीय बारीकियां निर्देशित करती हैं। खंड इंटरेक्शन पर समापन विचार, FIDIC येलो बुक में खंड 14.9 के अन्य खंडों के साथ जटिल अंतर संबंध निर्माण परियोजनाओं में अनुबंधीय शर्तों की आपसी संबंधितता को दर्शाता है। प्रत्येक खंड बड़ी मशीनरी में एक पुर्जा है, सभी पक्षों के अधिकारों और जिम्मेदारियों के संतुलन को सुनिश्चित करते हुए सामंजस्य में काम करता है। ये इंटरेक्शन सुनिश्चित करते हैं कि अनुबंध के वित्तीय पहलुओं को पृथक रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि एक व्यापक प्रणाली के रूप में जो परियोजना सफलता का समर्थन करती है। FIDIC येलो बुक 1999 में खंड 14.9 का मास्टरी, प्रतिधारण धन के भुगतान के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन। इस खंड में हम FIDIC येलो बुक 1999 में खंड 14.9 प्रतिधारण धन का भुगतान के प्रभावी रूप से उपयोग करने के लिए मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। निर्माण अनुबंधों की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए ठेकेदारों और नियोक्ताओं दोनों के लिए इन बिंदुओं को समझना महत्वपूर्ण है। दो चरण रिलीज प्रक्रिया की समझ, चरणबद्ध रिलीज दृष्टिकोण। समझें कि प्रतिधारण धन दो चरणों में रिलीज किया जाता है, पहला आधा टेकिंग ओवर प्रमाण पत्र जारी होने पर और शेष दोष सूचना अवधियों के समाप्त होने के बाद। रणनीतिक योजना,
इस संरचित रिलीज के लिए परियोजना की समय रेखा को समझने और ध्यानपूर्वक योजना बनाने की आवश्यकता है। दोष दायित्व और परीक्षण आवश्यकताओं के अनुपालन। दायित्वों की पूर्ति सुनिश्चित करें कि खंड 11 और 12 के तहत सभी जिम्मेदारियां पूरी हों, क्योंकि ये प्रतिधारण धन रिलीज के लिए महत्वपूर्ण है। गुणवत्ता आश्वासन, यह अनुपालन गुणवत्ता को बनाए रखने और सभी आवश्यक परीक्षणों को पूरा करने के महत्व को रेखांकित करता है। धन रोकने की शर्तों की जागरूकता। इंजीनियर की अधिकारिता, ये ध्यान रखें कि इंजीनियर खंड 11 या 12 के तहत लंबित कार्य के लिए लागत प्रमाणीकरण रोक सकता है, जिससे धन रिलीज पर प्रभाव पड़ता है। विलंब की तैयारी, अपूर्ण कार्य के कारण धन रिलीज में संभावित विलंब की आशा करें और तदनुसार योजना बनाएं। टेकिंग ओवर प्रमाण पत्र का महत्व। भुगतान रिलीज के लिए ट्रिगर, प्रतिधारण धन के पहले हिस्से की रिलीज शुरू करने में टेकिंग ओवर प्रमाण पत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को समझें। दस्तावेजीकरण और अनुपालन, सुनिश्चित करें कि इस प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यकताएं समय पर पूरी हों। निविदा के परिशिष्ट में अनुबंध विशिष्टताएं। महत्वपूर्ण अनुबंधीय विवरण, निविदा के परिशिष्ट में विशेष रूप से खंडों के प्रतिशत मूल्य के संबंध में प्रतिधारण धन की रिलीज के बारे में विशिष्टताओं पर ध्यान दें। अनुकूलित दृष्टिकोण, समझें कि प्रत्येक अनुबंध में प्रतिधारण धन रिलीज को प्रभावित करने वाले विशिष्ट विनिर्देश हो सकते हैं। आवश्यक दस्तावेजों का समय पर प्रस्तुतीकरण। विलंब से बचना, सुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक दस्तावेज समय पर प्रस्तुत किए जाएं ताकि प्रतिधारण धन की रिलीज में विलंब से बचा जा सके। संगठनात्मक दक्षता, इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए अच्छी रिकॉर्ड कीपिंग और संचार बनाए रखें। नकदी प्रवाह की अपेक्षा। वित्तीय योजना, प्रतिधारण धन की चरणबद्ध रिलीज को ध्यान में रखते हुए नकदी प्रवाह प्रबंधन की योजना बनाएं और इसका समग्र वित्तीय स्वास्थ्य पर प्रभाव को समझें। परियोजना बजटिंग, इन वित्तीय समय रेखाओं को व्यापक परियोजना बजटिंग और वित्तीय रणनीति में शामिल करें। विवाद समाधान की जागरूकता। आकस्मिकताओं के लिए तैयारी, टेकिंग ओवर के समय कार्यों की स्थिति से संबंधित विवादों को संबोधित करने के लिए तैयार रहें। समाधान तंत्रों की समझ, अनुबंध में विवाद समाधान खंडों और प्रक्रियाओं के साथ परिचित रहें। अनुबंधीय एकीकरण, समग्र दृष्टिकोण, खंड 14.9 को पूरे अनुबंधीय फ्रेमवर्क के एक घटक के रूप में पहचानें, जो समग्र परियोजना प्रबंधन और भुगतान प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। सहयोगी दृष्टिकोण, समझें कि यह खंड अन्य खंडों के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है ताकि अनुबंध का सामंजस्यपूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके। सहयोगी दृष्टिकोण, समझें कि यह खंड अनुबंध के सामंजस्यपूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अन्य खंडों के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण, हितों का संतुलन, प्रतिधारण धन को जोखिम प्रबंधन के उपकरण के रूप में देखें, जो ठेकेदार की समय पर भुगतान की आवश्यकता को नियोक्ता की गुणवत्ता की आश्वासन के साथ संतुलित करता है। सफल परियोजना कार्यान्वयन के लिए खंड 14.9 का नेविगेशन। खंड 14.9 के इन मुख्य बिंदुओं को माहिर करके FIDIC नियंत्रित परियोजना में शामिल पक्ष वित्तीय पहलुओं का प्रभावी रूप से प्रबंधन कर सकते हैं, अनुपालन सुनिश्चित कर सकते हैं और गुणवत्ता मानकों को बनाए रख सकते हैं। निर्माण परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन और पूर्णता के लिए ये समझ महत्वपूर्ण है। कल्पना कीजिए एक फ्लो चार्ट जो रंगों से भरपूर है, प्रत्येक ब्लॉक एक महत्वपूर्ण वित्तीय नृत्य का कदम है। आइए इस भूलभुलैया में गोता लगाएं, क्या कहते हैं? हमारी यात्रा कार्यों की पूर्णता से शुरू होती है, जो आत्मविश्वासी गुलाबी रंग में चिन्हित है। ये केवल एक मील का पत्थर नहीं है, ये हमारे प्रतिधारण धन नाटक का प्रारंभिक अध्याय है। फिर आता है हरा ब्लॉक, टेकिंग ओवर प्रमाण पत्र का जारी होना। यह वह जगह है जहां नियोक्ता कलम के एक झटके से कार्यों की पूर्णता को स्वीकार करता है। ये केवल एक औपचारिकता नहीं है, ये संतोष की घोषणा है। पीले ब्लॉक में हम प्रतिधारण धन के पहले हिस्से को रिलीज होते हुए देखते हैं। यह एक महत्वपूर्ण क्षण है जो आंशिक वित्तीय समापन का प्रतीक है।
लेकिन रुकिए, अभी और है। नीले ब्लॉक में प्रवेश करें, दोष दायित्व अवधि। ये सतर्कता का समय है जहां किसी भी छिपे हुए दोषों को प्रकाश में लाया जाना चाहिए और सही किया जाना चाहिए। हरा वापस आता है दोष दायित्व अवधि की पूर्णता को चिन्हित करने के लिए। यह एक राहत की सांस लेने वाला क्षण है अगर कोई दोष नहीं पाया जाता है, या जब सब कुछ सही सेट हो जाता है तो संतोष की स्वीकृति है। तब दूसरा पीला ब्लॉक चमकता है, शेष प्रतिधारण धन की रिलीज। ये केवल एक लेन देन नहीं है, ये ठेकेदार की सावधानी और गुणवत्ता के प्रति साक्षी है। और अंत में हम एक और गुलाबी मील के पत्थर तक पहुँचते हैं, ठेकेदार को पूर्ण भुगतान। यह एक वित्तीय यात्रा का अंत है, लेकिन नई संभावनाओं की शुरुआत। लेकिन क्या होगा अगर हमारी यात्रा में एक परिवर्तन हो? दोषों की पहचान का नीला पथ प्रतिधारण धन रोकने की ओर ले जाता है। यह एक विराम है, सुधार का समय, और फिर दोषों का सुधार हमें सही पथ पर वापस लाता है। इसके समानांतर गुलाबी रंग में अंतरिम भुगतान है, एक वित्तीय लाइफलाइन जो परियोजना के दिल की धड़कन को बनाए रखती है। हमारी अंतिम मंजिल अनुबंधीय वित्तीय दायित्वों का अंत पीले रंग में। ये हमारे वित्तीय नाटक का समापन पर्दा है, पीछे छोड़ते हुए पाठ, अनुभव और एक संरचना जो केवल ईंटों से नहीं बनी है, बल्कि सटीक वित्तीय योजना और कार्यान्वयन से बनी है। प्रिय दर्शकों, ये है FIDIC येलो बुक में प्रतिधारण धन की कला और विज्ञान, एक प्रक्रिया जो हमारे फ्लोचार्ट की तरह रंगीन है, सबसे बारीक टेपेस्ट्री की तरह जटिल है। आइए FIDIC दिशा निर्देशों के तहत निर्माण अनुबंधों की मनोरम दुनिया में अपनी खोज जारी रखें। आज हम अनुक्रम आरेख को समझने के लिए एक कदम दर कदम मार्गदर्शिका खोल रहे हैं, जो भुगतान प्रक्रिया को समझने के लिए है। प्रत्येक कदम अनुबंधीय कार्यान्वयन के पहिए में एक महत्वपूर्ण घटक है। हमारी यात्रा ठेकेदार के साथ शुरू होती है, जो पूर्णता के समय का विवरण इंजीनियर को सावधानी पूर्वक तैयार करके और जमा करता है। ये केवल कागजी कार्यवाही से अधिक है, ये किए गए काम की विस्तृत कथा है और ठेकेदार द्वारा दावा की गई कोई भी अतिरिक्त देयताएं हैं। इंजीनियर, जो सतर्क द्वारपाल की भूमिका में है और अधिक स्पष्टता चाह सकते हैं, वे विवरणों में गोता लगाते हैं। यदि कोई अस्पष्टताएं हैं या सत्यापन की आवश्यकता वाले क्षेत्र हैं, तो अतिरिक्त जानकारी की मांग करते हैं। ये सटीकता और शुद्धता का नृत्य है। इस आह्वान का जवाब देते हुए ठेकेदार आवश्यक अतिरिक्त विवरण या स्पष्टीकरण प्रदान करता है। ये केवल एक प्रतिक्रिया नहीं है, यह उनकी पारदर्शिता और विस्तार में ध्यान देने की प्रतिबद्धता का पुष्टिकरण है। सभी पहेली के टुकड़े जगह में होने के साथ इंजीनियर तब नियोक्ता को एक अंतरिम भुगतान प्रमाण पत्र जारी करते हैं। यह महत्वपूर्ण दस्तावेज ठेकेदार को भुगतान योग्य राशि निर्दिष्ट करता है, परियोजना के वित्तीय समय रेखा में एक निर्णायक क्षण। इस प्रमाणीकरण पर कार्य करते हुए नियोक्ता भुगतान प्रक्रिया करता है। ये प्रगति का संकेत है, किए गए कार्य की वित्तीय स्वीकृति। समानांतर रूप से ठेकेदार किसी भी शेष कार्य को पूरा करने के लिए लगा रहता है, जो खंड 11 और खंड 12 के तहत अनिवार्य है। ये हर टी को पार करने और हर आई पर बिंदु लगाने के बारे में है, सुनिश्चित करते हुए कि अनुबंध का हर पहलू पूरा हो। इस सावधानी पूर्वक प्रक्रिया के समापन के साथ नियोक्ता शेष प्रतिधारण धन रिलीज करता है। यह एक महत्वपूर्ण वित्तीय कदम है, सभी अनुबंधीय दायित्वों और प्रदान किए गए कार्य की गुणवत्ता की संतुष्टि को चिन्हित करता है। जैसे ही हम FIDIC अनुबंधों के अनुक्रम आरेख के माध्यम से आज की अंतर्दृष्टिपूर्ण यात्रा के अंत तक पहुंचते हैं, हम विचार करने के लिए थमते हैं। निर्माण अनुबंधों की दुनिया जटिल और सूक्ष्म है, और हम यहाँ हैं आपके लिए इसकी जटिलताओं को कदम दर कदम सुझाने के लिए। लेकिन प्रिय दर्शकों, हमारी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। यह आपकी जिज्ञासा, आपके प्रश्न और आपकी सगाई है जो हमें इन रोचक विषयों में अन्वेषण के लिए प्रेरित करती है। आपका समर्थन हमें गहराई से गोता लगाने, इस तरह की और शैक्षिकी सामग्री को प्रकाश में लाने की क्षमता देता है। तो अगर आपको आज का एपिसोड समृद्धिशाली लगा, और अगर आप हमारी तरह निर्माण अनुबंधों की परतों को उजागर करने के बारे में उत्साहित हैं, तो क्यों न हमारे समुदाय में शामिल हों? सब्सक्राइब करें और हमें लाइक दें। ये केवल एक क्लिक से अधिक है, यह आपका तरीका है ये कहने का कि आप इस शिक्षा यात्रा को महत्व देते हैं। प्रत्येक सब्सक्रिप्शन, हर लाइक, आपके द्वारा छोड़ी गई हर टिप्पणी न केवल हमारे चैनल का समर्थन करती है, बल्कि शिक्षा और विकास के समुदाय को भी बढ़ावा देती है।
तो संकोच ना करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, हमें एक लाइक दें और चलिए FIDIC अनुबंधों की रहस्यमयी बातों को एक साथ सुलझाते रहें। आपकी सगाई इस तरह के और अधिक शैक्षिकी अभियानों की कुंजी है। ग्रोथ माइंडसेट कंपनी की हमारी यात्रा में आपके महत्वपूर्ण भागीदार होने के लिए धन्यवाद। जिज्ञासु बने रहें, सीखते रहें और अगली बार तक अपनी समझ को ईंट दर ईंट बनाते रहें।